हम लोग कोसी में मारे हुए हैं, किसको कहेंगे, कोई नहीं सुनवा कर खटा लेता है, पैसा नहीं देता है। सीओ वीडियो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। कोसी में एक बार फिर बाढ़ तबाही मचाने के लिए तैयार है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर कोसी नदी का है, नौभट्टा प्रखंड का ये इलाका है। और किस तरह से कोसी में बाढ़ जो है एक बार फिर तबाही मचाने के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जहां लोगों का घर कोसी नदी में समा रहा है, तो वहीं लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए लोग खुद से नाव तैयार कर रहे हैं ताकि बाढ़ के समय में जो है लोग सुरक्षित हो सके। इसको लेकर लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और खुद से ये नाव तैयार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो खुद से नाव तैयार कर रहे हैं। तकरीबन जो है 1.5 से 2 लाख रुपए की लागत से ये नाव को तैयार किया जाता है ताकि बाढ़ के समय में लोग बचाव महसूस कर सके। ऐसे में सरकारी नाव की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नहीं होने पर जो है ये लोग खुद से नाव तैयार करते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर नाव तैयार करने में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। तकरीबन 10 दिन लगती है इस नाव को तैयार करने में, क्योंकि कोसी नदी एक बार फिर उफान पर है और जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का घर जिस तरह से कोसी नदी में समा रहा है, उससे लोग अब डर के माहौल में जी रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या किस तरह से नाव कितना दिन में तैयार होता है। क्या नाम हुआ आपका? देवो मिस्त्री। अच्छा, ये नाव कितने दिन में तैयार कर लेते हैं आप लोग? 15 रोज में ये नाव होता है, नया नाव बेसी लगता है। अच्छा, नया नाव बेसी लगता है जी। ये बताइए कि जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, उसमें आप लोग बचाव के लिए नाव तैयार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बचाव के लिए, अपना बचाव के लिए, अपना बचाव के लिए। तो सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं होने से आप लोग इस तरह का नाव तैयार कर रहे हैं? अगर सरकारी नाव की व्यवस्था होती तो आप लोग इस तरह से नहीं करते? नहीं करते। हाँ, सरकारी नाव नहीं व्यवस्था होता, अपना नाव तैयारी कर रहे हैं। नाव तैयारी कर रहे हैं। हाँ, परिवार का लोग ताकि सुरक्षित सुरक्षित रहे। हाँ। अच्छा, हर साल इस तरह का आप लोग करते हैं? आप लोग तैयार करते हैं? हाँ, हर साल, हर साल, हर साल करते हैं। तो इस बार का क्या स्थिति है बाढ़ का, बाढ़ को लेकर? अभी तो शुरू हुआ, अभी अगला क्या कटाव हो रही है अभी, अग्नि जलस्तर बढ़ रहा है ना? हाँ, जलस्तर बढ़ रहा है अग्नि। जलस्तर कौन सा इलाका है ये? कौन सा इलाका है ये? असय पहाड़पुर, कैदली पंचायत। चलिए, कैदली पंचायत नौभट्टा प्रखंड अंतर्गत आता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है कोसी नदी का? हाँ, बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कितना पानी आएगा नहीं आएगा, इसको कोई गारंटी तो है नहीं। तो इसलिए हम लोग अपना सुरक्षा के लिए नाव बनाते हैं, जो परिवार अपना सुरक्षा से रहे। तो कटाव लगातार जारी है कोसी? हाँ, भीतर जो है कटाव जारी है। अच्छा, घर द्वार जितना है लोगों कट कर भास रहा है, वो अपना जहाँ सूखा हुआ है वहाँ अपना उठा करके रखता है। लोग डर में रहते हैं क्योंकि रात दिन आप लोग डर में रहते हैं कब किनका घर कट जाए, क्या होगा नहीं होगा, कोई अच्छी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, हर साल बाढ़ आती है लेकिन सरकार की तरफ से जो सुविधा होनी चाहिए वो क्या सुविधा मिलती है? कुछ नहीं मिलती है। अगर सुविधा मिलता तो अपना ये गरीब आदमी होकर के ये 2 लाख 2.5 लाख रुपया काहे फंसाते? सुविधा नहीं, सुविधा तो है नहीं, नाव की व्यवस्था, सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है, एक तो नहीं है। अच्छा, लेकिन प्रशासन तो बोल रही है कि नाव की व्यवस्था, सरकारी नाव की व्यवस्था व्यवस्था है। पौर साल सबको ये अपना अपना जनता को जो नाव था बहाली करके रख काम करवाया, और जब काम करवाया तो अब कह रहा है जब खटा है 3 आदमी और पैसा पेमेंट करता है 2 आदमी को। अच्छा, अब कहीं ना कहीं जो व्यवस्था नहीं होने के कारण आप लोग ये नाव की खुद से निर्माण करते हैं? निर्माण करते हैं। हाँ। कितने दिन में ये तैयार हो जाता है नाव? ये नाव तो 15 रोज या 12 रोज जितना बड़ा रहता है उस हिसाब से उतना समय लगता है। कितनी लागत लग जाती है? वो आदमी को पैसा कौन देगा? जो बनाता है वही ना देगा? दो आदमी को अफसर, वीडियो और क्या, और क्या नाम है नाम ऑपरेशन में किया। चलिए, और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर कल, जो कल गया पेमेंट नाजिर जो है वो कहा जो आप पैसा ले जाइए,
जो नौ सुरक्षा नौ जो बी डी ओ सी के लिए रखा है वो नौ वाले को कहता है आप तीन माला को ले लीजिए और बाकिया जो है उसको कहते हैं दो माला को देंगे। चलिए तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से व्यवस्था जो है होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? पहरू मुखिया। क्या व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा? कुछ नहीं। कुछ नहीं व्यवस्था। क्या लगता है एक बार फिर बाढ़ तबाही मचाएगी इस इलाके में? जो इच्छा हो क्या करेंगे, हम लोग कोसी में मारे हुए हैं, किसको कहेंगे? कोई नहीं सुनवाई करता नहीं करता है। कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता है। खटा लेता है, पैसा नहीं देता है। कौन खटा लेता है आप लोगों से? सीओ वीडियो। किस चीज के लिए खटा लेता है? दरियो में नौ पर। अच्छा, नौ पर पैसा नहीं मिलता जी? नहीं, अभी कहाँ दे रहा है, साल भर हो गया। पौर साल जो खटे हैं सो अभी तक नहीं मिला। कुछ पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप लोग जो नौ चलाते हैं, सरकारी नौ चलाते हैं, उसका पेमेंट आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला है, इसलिए आप लोग खुद से नौ तैयार कर रहे हैं। हाँ, खुद नौ तो बहाली कर लेता है, नौ तो खुद सर करके और काम करवा लेता है। पैसा आज देंगे कल देंगे, एवरी ने पौर साल तेसर साल कभी मन होगा देगा। चलिए देखिए, इन लोगों का एक गंभीर आरोप भी है क्योंकि सरकार के द्वारा जो नाव को संचालित किया जाता है बाढ़ के समय में, उस समय जो इन लोगों को रखा जाता है, तो इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों को पैसा अब तक नहीं मिला है। पिछले साल जो काम करवाया गया था उनका पेमेंट जो है अब तक इन लोगों को भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण ये लोग जो है आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोसी नदी का उफान है वो तेज़ हो चुका है और एक बार फिर जो सहरसा ज़िले के नौभट्टा प्रखंड के दर्जनों पंचायत में जो बाढ़ की तबाही है वो भी एक बार फिर देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर लगातार जो है वो अब बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जो है लोग खौफ के साए में जी रहे हैं और लोग मजबूरन अब खुद से नाव तैयार कर रहे हैं अपने सुरक्षित के लिए, सुरक्षित महसूस कर सके इसको लेकर जो है खुद से लोग नाव तैयार करने को मजबूर है। तो सहरसा ज़िले में भी जो बाढ़ का है वो जो है जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन जो है जलस्तर पानी का जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जो लोग हैं वो डर के छाए में अब रह रहे हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।